आए हैं मनु भाकर की, जहाँ पहुंचने वाली हैं वो। और देखिए स्वागत के लिए किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए मनु भाकर का स्वागत किया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि बहुत गर्व की बात है कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल हासिल किए हैं, भारत का परचम विदेशी स्तर पर लहराया है। और एयरपोर्ट पर देखिए जैसे ही निकली है बाहर, उसके बाद जो तमाम लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पर मौजूद थे, माला लेकर खड़े हुए थे कुछ लोग, और साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर लोग खड़े हुए थे। जैसे ही मनु भाकर बाहर आई हैं, उनका सम्मान किया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनु भाकर के चेहरे पर वो खुशी कि देशवासी कितनी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे, और जो सम्मान मिला है उनको काबिले तारीफ है। जो प्रदर्शन उनका रहा पेरिस ओलंपिक में, 2 मेडल लेकर आई हैं मनु भाकर, अपना मेडल लेके दिखाते हुए मनु भाकर की खुशी में। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं सभी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, हालांकि पूरा देश मनु भाकर की जीत को लेकर उत्साहित दिखाई दिया था, और अब उनकी वापसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लोग हैं। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी सी फूलमाला लाई गई है मनु भाकर के लिए, उनके स्वागत के लिए, और फूलों का गुलदस्ता लाया गया। वाकई मनु भाकर के माता पिता के लिए भी गौरव का ये पल है, गौरव का एक क्षण है। जिस तरह से पूरे देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है, उसी तरह मनु भाकर के परिजनों के लिए, उनके माता पिता के लिए भी ये बड़ी गौरव की बात है कि विदेश में जाकर उनकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, इतनी बड़ी जीत हासिल की। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर का स्वागत। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर आज भारत लौटी हैं। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं, और पेरिस ओलंपिक में इस बार इतिहास रचते हुए उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, जो देश के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मनु भाकर के परिजनों के लिए, उनके माता पिता के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत उनका हुआ है, और आगे अब यहाँ से निकलकर खेल मंत्रालय भी जाएंगी। बात की जाए मनु भाकर के गेम की, उनके खेल की, तो मनु भाकर ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे। वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय इस बार बन गई, और इसी के साथ मनु भाकर ने विदेश में ये प्रदर्शन देते हुए, ये मेडल हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजाहक भी हुई हैं, और मनु अब रविवार को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस भी लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि दिल्ली से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खुशी का ये पल उन लोगों के लिए है जो स्वागत के लिए मनु भाकर के खड़े हुए हैं, और मनु भाकर खुद भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी जाहिर तौर पर हुई होंगी, और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी उनके चेहरे पर यहाँ नज़र आ रही है कि जो प्रदर्शन उन्होंने पेरिस में ओलंपिक्स के दौरान दिया है, जो मेडल उन्होंने हासिल किया, जो इतिहास उन्होंने रचा है, वो सभी देखने के बाद जब वतन वापसी उनकी हुई है, तो ऐसे में कितने जोरदार और शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है। मेडल के साथ मनु भाकर ने वतन वापसी की है, और तस्वीरें भी आपने देखी जब मनु भाकर को लोगों ने गोद में उठाया, और उसके बाद जब उस दौरान मनु भाकर अपना वो मेडल दिखाती हुई वहाँ पर नजर आई, तो ये तस्वीरें देखिए, मेडल दिखा रही हैं मनु भाकर, दिल्ली की ये तस्वीरें। अब चूंकि वतन वापसी उनकी हो गई है, दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंच गई हैं, तो खबरें ये भी हैं कि आगे अब खेल मंत्रालय वो जाएंगी। हालांकि मनु भाकर के माता पिता के लिए बहुत ही गौरव की बात है ये कि उनकी बेटी ने विदेश में जाकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और साथ ही साथ इतिहास रच दिया है।
तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं उसमें मनु के चाचा महेंद्र सिंह भाकर भी स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेहद शानदार तरीके से मनु भाकर का स्वागत यहाँ पर हुआ है। मनु के जो फैंस हैं उनमें जश्न देखा गया। मनु के जो तमाम फैंस हैं जो मनु को देखना चाहते थे, जो मनु की वापसी पर उनको स्पेशल फील कराना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि मनु ने देश के लिए कितनी बड़ी जीत हासिल की है, कितना बड़ा मुकाम देश के लिए हासिल किया है, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ मनु के स्वागत के लिए उनके माता पिता भी एयरपोर्ट पहुँचे। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे नंबर पर मनु रही। मनु पेरिस ओलंपिक में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में मेडल से हालांकि चूक गई, लेकिन जो दो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किए हैं उससे उन्होंने जो इतिहास रचा है वो वाकई काबिले तारीफ है। वो विमेंस में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दो मेडल जीतने के बाद लगातार यही कहा जा रहा था कि इस बार हैट्रिक लगाने का चांस मनु भाकर के पास है और अगर हैट्रिक लग जाती है तो एक नया इतिहास यहां पर रचा जाएगा। लेकिन जब 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर मनु भाकर रही हैं, वो कैसे रही वो भी आपको बताते हैं। जहां हंगरी की वेरोनिका के साथ तीसरे पोजीशन के लिए हुए शूट ऑफ में हार कर मनु भाकर बाहर हो गई। 8 सीरीज में मनु सिर्फ एक ही बार 5 में से 5 शॉट्स लगाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने कुल 40 में से 28 शॉट्स लगाए। इसी के साथ उनका पेरिस ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने का सपना यहाँ अधूरा जरूर रहा, लेकिन दो मेडल जीतने के साथ जो इतिहास मनु ने रचा और उसके बाद अब जब वतन वापसी उनकी हुई है तो तस्वीरें तब की आपको दिखा रहे हैं। तो सभी का अभिवादन करती हुई मनु भाकर यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के मन में एक बहुत खुशी है। मनु ने जिस तरह से इतिहास रचा है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि पेरिस में ओलंपिक्स में मनु ने ये मुकाम हासिल किया और देश का नाम रोशन किया है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब मनु भाकर शूटिंग छोड़ना चाहती थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु क्वालिफाइंग राउंड में थी, तभी उनकी पिस्टल ख़राब हो गई जिस वजह से वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी और इसके बाद मनु ने शूटिंग छोड़ने का इरादा कर लिया था। तब उनके पिता रामकिशन भाकर और माँ सुमेधा भाकर ने उन्हें मोटिवेट किया था और उसी मोटिवेशन के बाद ही उसी मोटिवेशन के साथ ही कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर मनु भाकर पहुंची हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि ओलंपिक्स में ये जीत हासिल करने के बाद, ओलंपिक्स में ये मुकाम हासिल करने के बाद, ये इतिहास रचने के बाद शायद मनु भाकर का शूटिंग छोड़ने का जो मन था वो जाहिर तौर पर बदल जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करते हुए और ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे आने वाले वक्त में मनु भाकर जो इस बार हैट्रिक लगाने से चूक गई हैं वो अगली बार ज़रूर लगा पाएंगी, क्योंकि देश भर के जो लोग हैं उनकी दुआएं भी मनु भाकर के साथ हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मनु भाकर ने जो मुकाम हासिल किया है वो लगातार सफलता की सीढ़ी पर इसी तरह चढ़ती रहें, इसी तरह देश का नाम रोशन करती रहें। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। मनु भाकर की वतन वापसी हो गई है। मीडिया भी देखिए चारों तरफ मनु भाकर के हैं। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए फिलहाल मनु भाकर इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं और बेहद खुश सभी लोग जो आसपास मनु भाकर के हैं वो नज़र आ रहे हैं। मनु भाकर खुद भी काफ़ी ज़्यादा खुश यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उपलब्धि है,
ये पेरिस से मैं हासिल करके वापस देश लौटी हूँ और देश के नाम ये मेडल है। पेरिस ओलंपिक में जीते हैं। दिल्ली से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर की आज वतन वापसी हो गई है, उनकी भारत वापसी आज हो गई है। सभी जो मनु के फैंस हैं, जो उनके परिजन हैं, उनके माता पिता हों, उनके चाचा हों, सभी एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए पहुंचे, उनके स्वागत के लिए पहुंचे। और यहाँ सभी के बीच में देखिए अपना वो मेडल दिखाते हुए, अपने दोनों मेडल दिखाते हुए मनु भाकर नज़र आ रही हैं लोगों के बीच, ये बताते हुए कि ये उपलब्धि वो पेरिस से हासिल कर आई हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा है और ये दो मेडल जीते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। उसके बाद अब वो खेल मंत्रालय जाएंगी, ये खबरें भी हैं। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रोंज जीते थे। Thank you very much. और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्योंकि मनु भाकर की वतन वापसी तो हो गई है, देखिए तस्वीरें भी सामने आई जिसमें अपने दोनों ब्रोंज मेडल को दिखाते हुए मनु ये बता रही हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके वो पेरिस से भारत लौटी हैं। अब हरियाणा में किस तरह का माहौल, किस तरह से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है मनु की जीत के लिए और मनु के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? बिल्कुल बेहतरीन देखी जा सकती है। एक ऐसा पल, गर्व का वो क्षण जिसमें भारत बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है, मेडल लेकर के आई है। और इस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग है स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज का अलग दिन की बात करें तो हम हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने भी स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल देर रात बात करी थी, 1 बजे जब ये पेरिस से रवाना हो रही थी तो लगातार स्वागत का दौर की अगर हम बात करते, क्योंकि अभी एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात हरियाणा सरकार द्वारा जो बताई जा रही है में हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो मनु भाकर जो की हरियाणा की बेटी है, उसी तरीके से विनेश फोगाट की बात की जाए, नीरज चोपड़ा की बात की जाए, लगातार हरियाणा के कैसे खिलाड़ी उन्होंने पूरे में भारत का नाम रोशन करा है। और तो खिलाड़ियों को लेकर के इनके कार्यक्रम के स्वागत को लेकर के सरकार की ओर से प्लानिंग हो रही, तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। हालांकि मनु भाकर अब पहुंचते हैं दिल्ली, दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, खेल मंत्री से भी मुलाकात हुई थी। अगर बात करें तो उसके बाद जब वो हरियाणा है, क्योंकि अगर बात करें तो वहां पर भी उनके स्वागत को लेकर के तमाम तैयारियां हैं। और हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो खेल नीति के तहत पुरस्कार है उसके लिए रहेगा, साथ साथ उससे पहले एक बड़ा स्वागत समारोह जो है वो आयोजित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि स्वागत की जोरदार तैयारियां जाहिर तौर पर मनु भाकर के लिए की गई होंगी, क्योंकि जश्न का मौका भी है। मनु भाकर ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, अब जब अपने घर के लिए लौटेंगी मनु भाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, सबसे पहले क्या करना चाहेंगी वो, सबसे पहले क्या करेंगी ये मेडल जीतने के बाद, अपने घर वापस लौटने के बाद?
देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा से भी बातचीत में उसकी उनकी मनु भाकर के परिवार ने बताया था कि कितना हर्ष है, कितना उत्साह, और ये उत्साह पूरे देश में नजर भी आ रहा है जी। देश के साथ साथ प्रदेश में इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि मनु भाकर हरियाणा से जुड़ी है, नाम पूरे भारत का, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा है, हरियाणा का नाम भी रोशन करा है। आप देख भी सकते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुंची है तो किस तरीके से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। गाड़ी में वो बैठी थी, वो तो उनके साथ में मनु भाकर के कोच भी उनके साथ थे। बाकायदा वो अपने दोनों मेडल दिखाते हुए इस तरीके से एयरपोर्ट से जब बाहर निकली तो लोगों की जो भीड़ थी वो स्वागत के लिए, मनु भाकर की झलक के लिए, धन्यवाद के लिए पहुंचे थे क्योंकि मनु भाकर ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कराया। और ऐसे में इसी तरीके से परिवार का भी कहना है कि अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के, क्योंकि लोगों की भीड़, तमाम जो लोग हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, चाहे तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, युवा खिलाड़ियों में भी उनका कहना है कि एक क्रेज है, वो बच्चे जो अभी अपने खेलों को शुरुआत कर रहे हैं वो भी लगातार ऐसी कोचिंग सेंटर से इनके पास आना चाहते हैं। तो आगे कार्यक्रम रहेगा स्वागत का फरीदाबाद में भी, और अगर बात करें झज्जर में भी इनका कहना है कि इस तरीके के कार्यक्रम आगे किए जाएंगे क्योंकि जो लोगों के द्वारा परिवार से रिक्वेस्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल परिवार के लिए भी बहुत खुशी का पल है अगर मनु भाकर ने, क्योंकि पूरे विश्व में एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा परचम लहराया गया है भारत का एक बार फिर से विदेशी स्तर पर। और मनु भाकर अब जब वापस भारत लौटी है, वतन वापसी जब उनकी हुई है, तो हर कोई अपने तरीके से उनका स्वागत करना चाहता है और हर कोई अपने तरीके से उनकी इस खुशी को, इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करना चाहता है। फिलहाल ये जानकारी है कि खेल मंत्रालय वो जाएंगी, वहां पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा? खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो क्योंकि खेल मंत्री से आज मुलाकात मनु भाकर की जो है होगी, क्योंकि एक बड़ा पल है, बड़ा क्षण है देश के लिए भी अगर बात करें तो, क्योंकि गर्व का समय, तो ऐसे में मुलाकात होगी। वहां पर भी खेल मंत्री से मुलाकात के दौरान सम्मान भी किया जाएगा मनु भाकर का। हालांकि वो अभी लौटी है भारत में, तो आज दोपहर करीबन और कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि मुलाकात होगी। इसके साथ साथ कुछ कार्यक्रम, कुछ मुलाकातें हैं, लेकिन आज शाम तक वो फरीदाबाद अपने आवास पर, जहाँ वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, वहाँ वो पहुंच सकती हैं। तो उसको लेकर के फिलहाल, क्योंकि अभी वो भारत लौटने और आज पहुंची हैं, और मेडल लेने के बाद, दो दो मेडल लेने के बाद, भारत दो दो मेडल दिलाने के बाद पहुंचे, तो अब आत्मी कार्यक्रम की रूपरेखा, क्योंकि अब सरकार की तरफ से पहले स्वागत है, उसका सम्मान है, वो किया जा रहा है केंद्र की तरफ से। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि मनु भाकर से संपर्क, जो देर रात बात हुई है, उन्होंने भी मुलाकात के लिए कहा है। तो अभी आने वाले दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम नजर आने वाले हैं जो कि इन खिलाड़ियों के सम्मान में किए जाने। बिल्कुल, एक उपलब्धि पेरिस में मनु ने हासिल की है और अब उस उपलब्धि को हासिल करने के बाद हर रोज अब इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे सभी लोग। मनु भाकर खुद भी इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मनु भाकर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया है, किस तरह का खुशी का माहौल है, किस तरह खुश नजर आ रही हैं खुद मनु भाकर और अपने दोनों जो ब्रोंज मेडल हैं उनको दिखाते हुए ये बता रही हैं कि पेरिस से ये उपलब्धि भारत के नाम लेकर आई हैं वो। तो दो मेडल मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जीते हैं एयरपोर्ट पर। इसी उपलब्धि के बाद में मनु भाकर का जोरदार स्वागत यहां पर हुआ है। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मनु भाकर ने जो उपलब्धि हासिल की उसके बाद उसका जश्न अब भारत में मनाया जा रहा है उनकी वतन वापसी को लेकर। और इसी के साथ हमारा मकसद हर खबर आप तक पहुंचाना है, देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे, हर जानकारी आप तक पहुंचे। उसके लिए आप इंडिया न्यूज हरियाणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, आप इंडिया न्यूज हरियाणा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप इंडिया न्यूज हरियाणा से जुड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।